अस्सलाम वालेकुम जनाब, उमैर मलिक आपसे मुखातिब। अच्छा, आपने इस चैनल पे बहुत सारी बिजनेस की टिप्स सुनी होंगी। बहुत से लोगों को लगता है कि वो सिर्फ किताबी बातें, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। और आपको मैं स्पेसिफिक बिजनेस आइडियाज़ भी डिस्कस कर देता हूँ आपसे, जो मेरे जानने वाले लोग कर रहे हैं या मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वो काम किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक काम शुरू किया। उनके ख़ानदान में किसी से भैंस छिड़ी कि सब्ज़ी बहुत महंगी है, तो वो एक दिन सब्ज़ी मंडी चले गए संडे को। और जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सब्ज़ी तो मार्केट रेट से बहुत कम मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही मोहल्ले में 25-30 लोगों को अपने व्हाट्सएप में ये मैसेज भेजा कि भाई मैं आपको सब्ज़ी अरेंज कर सकता हूँ वीकली बेसिस पे और मार्केट से कम रेट पे। तो अब वो जाते हैं और वो मार्केट से सब्ज़ी, यानी सैटरडे को वो ऑर्डर ले लेते हैं सबसे, और संडे को वो जाते हैं 25,000 रुपये का सामान लेकर आते हैं, जो कि 35,000 यानी 35,000 रुपये का बिक जाता है। एक दिन की मेहनत है, चंद घंटों की, और उसमें 25,000 से 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है। तो वो लोग, अच्छा उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, ही हैज़ अ स्कूल, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छी खासी इनकम है, लेकिन वो इसको सिर्फ टेस्ट रन पे कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे लोग करना चाहते हैं, यानी आप सोचें, वो इंसान जिसकी सैलरी 25,000 है, 30,000 है, अगर वो इस सिस्टम को कर ले, सिर्फ 25-30 कस्टमर्स को साथ लेकर चलना है और अपने मोहल्ले में वो काम कर रहे हैं, कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, और वो उसको एक्सपेंड भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 25,000-30,000 रुपये, 40,000 रुपये कमाने वाला एक शख्स है, अगर वो हर संडे के दिन इस एक्टिविटी को करना शुरू कर दे, तो वो अपनी इनकम को डबल कर लेगा। और वो तमाम लोग जो पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, वो सब ये कर सकते हैं। और कोई काम भी बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम होता। तो अगर हम इस काम को फुल नीयत से करें और बहुत अच्छे तरीके से करें, तो बहुत ज़बरदस्त ये आइडिया। और ये एक आइडिया मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, जैसे अगर आप कराची में रहते हैं, तो आप देखेंगे जो हमारी मार्केट में चीज़ें बिक रही हैं, और बोल्टन मार्केट आप चले जाएं तो आपको रेट्स में 3 times का डिफरेंस मिलेगा। जो घड़ी 600 रुपए की आम मार्केट में मिल रही होगी, बोल्टन मार्केट में वो 200 रुपए की मिल रही होगी, और वो आपको एक पीस भी देने को तैयार होंगे। और आप दर्जन में लेना चाहते हो, दर्जन में भी ले सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को जो है ना, वो वहाँ से बाय करके और अपने व्हाट्सएप पे और चीज़ों को डिस्कस करते हुए, अपने जानने वाले लोगों को यूज़ करते हुए बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और आइडियाज़ भी हमारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं, अगर आप उन्हें अटेंड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को भी लाइक कीजिएगा, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का भी हिस्सा बनिएगा।